हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इंडिया एंड द ग्रेट पावर कॉन्टेस्ट इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की बात क्या हो रही है, जैसे कि ये आपका इंडिया है और ऊपर में ये पूरा एशिया है, तो वेस्ट एशिया मतलब इस साइड आपके, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये एंड में यहाँ पे टर्की आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एशिया है। तो बात हो रही है ये वाले साइड की, इधर नहीं, ये आपका ईस्ट एशिया, इधर की बात हो रही है, ये वेस्ट एशिया है। चलिए देखते हैं। एट दी G20 समिट इन न्यू दिल्ली अर्लियर दिस मंथ, ठीक है, G20 समिट जो हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड दी अदर अनवेल्ड US बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट इंडिया। ठीक है, US बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू कनेक्ट इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप विद शिपिंग लाइन, रेल नेटवर्क एंड पाइपलाइंस एंड डेटा केबल्स। तो देखिए कैसे कैसे कनेक्शन होगा, शिपिंग लाइन से होगा, रेल नेटवर्क से होगा, पाइपलाइन से होगा और डेटा केबल से होगा। किसको कनेक्ट करेंगे, इंडिया को, वेस्ट एशिया को और यूरोप को। ठीक है, अ वीक अर्लियर अ हाई लेवल US डेलीगेशन हैज़ विजिटेड सऊदी अरेबिया चेजिंग द नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन दी सुनिक किंगडम एंड दी जेविश स्टेट ऑफ इसराइल, टू ऑफ द अमेरिकन अलाइज इन द रीजन। तो ठीक है, इसराइल हो गया, इसराइल और सुनिक किंगडम जो आपका सऊदी अरेबिया का है, उससे वो एग्रीमेंट होने जा रहा है जो अमेरिकन एलाइज है। दिस सीमिंगली अनरिलेटेड बट जियोपॉलिटिकली कॉन्टिगियस डेवलपमेंट ऑफर अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ मिस्टर बाइडेन अप्रोच टुवर्ड्स द वेस्ट एशिया, अ जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन वेयर द US हैड डोमिनियरिंग प्रेजेंस फॉर डेकेड्स। तो यहाँ पे हमने जैसा देखा था, अफगानिस्तान में से लेके इसराइल, हर जगह US प्रेजेंट रहा है, विच इज नाउ बींग चैलेंज बाई मल्टीपल फैक्टर्स, जो अब चैलेंज हो रहा है, इसीलिए अब बाइडेन अप्रोच कर रहा है वेस्ट एशिया में वापस से अपने एंट्री के लिए। यही बात हो रही है यहाँ पे। देखिए टू पार्ट पॉलिसी क्या है, सॉरी टू पार्ट पॉलिसी क्या है, मिस्टर बाइडेन, वेस्ट एशिया स्ट्रेटजी हैज़ टू पार्ट्स। देखिए अभी इनका ये जो मिस्टर बाइडेन का है अप्रोच, क्योंकि वापस से हम वहाँ पे वेस्ट एशिया में एंट्री ले सके, वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रम्प एरा पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग अमेरिकन टू पिलर इन द रीजन, द गल्फ अरब्स एंड द इसराइल। यहाँ पे हमने देखा इसराइल और गल्फ अरब को एक साथ लिया, क्लोजर टू मीट देयर जियो पोलिटिकल चैलेंजेस सच एज ईरान राइज। तो ईरान का राइज होना इन दोनों के लिए सही नहीं है, इन दोनों को पसंद नहीं है, तो वही चीज़ है। द अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड रीच अंडर मिस्टर ट्रम्प्स टूटलेग सेट ए स्टेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसराइल टाइज विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब इसराइल टाइट्स UAE के साथ, ठीक है। बट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिसी वुड नॉट बी रीच अनलेस देर इज अ डील बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया, अर्ग्यूबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अरब कंट्री टूडे। तो सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जब तक नहीं होगा, तब तक ये अकॉर्ड में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताई जा रही है, मिस्टर बाइडेन हु कैंडिडेट हु एज अ कैंडिडेट हैड वाउड टू मेक सऊदी अरेबिया द, पता नहीं क्या, डेट दे आर हैज कम अ लॉन्ग वे टू प्रेसिडेंट इन रीचिंग आउट द किंगडम, द एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव दैट द सऊदी इसराइल डील वुड ट्रांसफॉर्म अरब इसराइल टाइज, स्ट्रेंथनिंग द US पोजिशन इन द रीजन विदाउट फर्दर मिलिट्री इक्विपमेंट्स कमिटमेंट्स। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि सऊदी को, अरब को इसराइल को मिलाओ, तो अरब को इसराइल को मिलाने में क्या है आपका, एक तो देखिए अब्राहम अकॉर्ड में आपका ईरान राइज को, जो उन लोगों को काउंटर करने के लिए इन्हें मिलाना था इसराइल और UAE को। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, इसराइल, ठीक है, UAE और सऊदी, ठीक है, ये आपका अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, पर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका ये रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो आपको मेन क्या करना है, ठीक है, इसराइल प्लस आपका अरब वर्ल्ड, तो अरब वर्ल्ड में आपके सब आ जाते हैं, जिसके आज सबसे बड़े प्लेयर्स आपके सऊदी है। तो वही बात हो रही है, और इसीलिए बाइडेन का ये अप्रोच है अभी, क्यों, क्योंकि वेस्ट एशिया में USA को अपना प्रेजेंस चाहिए विदाउट एनी मिलिट्री कमिटमेंट्स। ये तो पहला पार्ट रहा, ठीक है, ये हमने देखा, ये पहला पार्ट है, ये अपना फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट ऑफ मिस्टर बाइडेन अप्रोच इज टू रीअश्योर अमेरिकाज फ्रेंड एंड अलाइज दैट US इज नॉट एग्जिटिंग वेस्ट एशिया। इन 2012 लीडर ऑफ इंडिया, इसराइल एंड US एंड UAE हैड अ वर्चुअल समिट ऑफ वॉट इज नाउ कॉल्ड I2U2 मिनी लेटरल। देखिए I2U2
mini lateral. The idea behind the I2U2 is to create a new platform that could expedite economic integration between the West Asia and South Asia and offer economic and technological solution to the problem faced by the global South. तो ठीक है, अब देखिए ये बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया प्लस साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में तो हम आ गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन है, साउथ एशिया में तो हम आ गए और वेस्ट एशिया में कौन है, यूएई है। और ये करना किसको है, किसको अपना प्रेजेंस लेना है, यूएस को। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। इंडियाज प्रेजेंस इन एन ग्रुपिंग ऑफ अब्राहम एकॉर्ड कंट्रीज वॉज सीन एज अ लेजिटिमेट रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज प्रेजेंस इन द रीजन। तो इंडिया को उसमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, यही बता, मतलब उसमें अगर ग्रुपिंग में उसका प्रेजेंस, उसको यही बता जा रहा है कि इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो अभी रिसेंटली बात हुई है, अनाउंस एट द G20 समिट, रेफर्ड टू इट्स इन इट्स फर्स्ट पैराग्राफ, इनहेंसेस अ न्यू दिल्ली स्टैंडिंग। इट सीक्स टू बिल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर फ्रॉम इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट थ्रू द गल्फ, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल टू द मेडिटेरेनियन, ब्रिंगिंग इंडिया एंड यूरोप क्लोजर। तो देखिए ये इंडिया है, आप समझिए इसके वेस्ट कोस्ट से हम जाएंगे, यूएई जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे और वहाँ से हम जॉर्डन जॉर्डन इसराइल, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप। तो यही इसका रोड मैप है। यहाँ पे आप देखिए ये हम लोग को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे रोड मैप बताया गया है, ठीक है। द यूएस होप्स दैट इट कुड रिटेन इट्स चैनल ऑफ इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया, कंट्रोल द मेजर शिपिंग लेन्स एंड रीअश्योर इट्स अलाइज ऑफ इट्स स्टेइंग कैपेसिटी। द यू एस मे नॉट वॉन्ट टू एग्जिट वेस्ट एशिया बट इट इज डीप्रायोरिटाइज द रीजन इन टर्म ऑफ इट्स सिक्योरिटी कमिटमेंट्स एज इट्स फोकस हैज शिफ्टेड बैक टू ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया। अब वापस से आप देखिए यहाँ पे फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ईस्ट एशिया में, ईस्ट यूरोप में, जहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। और ईस्ट एशिया में क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाइना है, ठीक है। आप देखो यूएस कितना चालू है, आप बस इस आर्टिकल से मेरे को तो सही में यूएस का चालूपन दिख रहा है। बट द यूएस डीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रीजन डज नॉट डिमिनिश द स्ट्रेटेजिक वैल्यू और द पोटेंशियल वेस्ट एशिया। एज द यूएस इज पिविटिंग टू ईस्ट एशिया, चाइना विच इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ओवर 70% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट इज इनहेंसिंग इट्स फोकस ऑन वेस्ट एशिया। देखिए अब यूएस जा रहा है ईस्ट एशिया में पर चाइना फोकस कर रहा है वेस्ट एशिया में, वाह। चाइना हैज नॉट ओनली इमर्ज एज अ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका, अमेरिकाज गल्फ अरब अलाइज एंड मेजर इन्वेस्टर इन रीजन, बट ऑल्सो हैज शोन द विलिंगनेस टू प्ले अ बिगर रोल एज अ पीस मेकर विच वॉज एविडेंट इन द ईरान सऊदी रिकन्सिलिएशन एग्रीमेंट। सो चाइना भी अपना एक गेम खेल रहा है, यूएस भी अपना गेम खेल रहा है। अब देखो चाइना यहाँ से जा रहा है इस तरफ क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर है, उसका ऑयल इम्पोर्ट्स वहाँ पर है। यूएस का फोकस हो रहा है इस तरफ क्योंकि यहाँ पे चाइना बैठा है। तो आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, मेरे को तो ये वही वाला हिसाब लग रहा है। दिस पॉजेस अ डायलेमा टू द यूएस डीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रीजन इन स्ट्रेटेजिक रियलिटी फॉर वॉशिंगटन एज इट इज नाउ फेसिंग फार बिगर कन्वेंशनल चैलेंजेस इन रशिया एंड चाइना, बट इट कैन नॉट जस्ट एग्जिट वेस्ट एशिया बिकॉज चाइना वुड ट्राई टू फिल द वैक्यूम। अगर यूएस यहाँ को छोड़ देता है वेस्ट एशिया को तो उसको फिल कौन करेगा, ऑब्वियसली चाइना करेगा। अमेरिकाज आंसर टू दिस चैलेंज इज टू फोर्ज क्लोजर टाइज विद इट्स बिटवीन इट्स अलाइज इन द रीजन एंड स्ट्रेंथन द यूएस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ब्रिंग इंडिया इन इन एज अ बिगर स्टेबल पार्टनर टू राइट द न्यू रूल्स ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड इंटीग्रेशन कंपीटिंग विद चाइना। इंडिया सीम्स विलिंग टू टेक इट दिस बेट। अब देखिए बात क्या हो रहा है, यूएस को ये छोड़ना है वेस्ट एशिया, अगर फोकस अपना यहाँ छोड़ना क्या, वो अपना फोकस थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर वैक्यूम होगा उसको कौन फायदा उठाएगा, चाइना उठाएगा। तो चाइना उठाएगा तो यूएस उसके लिए क्या कर रहा है, यूएस कह रहा है कि हम इंडिया को बड़ा करो, इंडिया को इतना स्टेबल बना दो कि अब यहाँ पे लोग चाइना से ज़्यादा इंडिया के ऊपर भरोसा करें। तो यहाँ का जो पावर सेंटर हो जाए वो चाइना हो जाए और चाइना ऑलरेडी हमारा पार्टनर है। तो मतलब चाइना को काउंटर करना मेन यूएस का भी यही है, चाइना इधर में चाइना को काउंटर कर रहा है आप देखो, और ऊपर ईस्ट यूरोप में वो रशिया को काउंटर कर रहा है, न्यू वेस्ट एशिया। बट इट इज़ टू बी सीन हाउ फार बाइडन प्लान वुड हेल्प द यूएस रिटेन और एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन एट अ टाइम व्हेन चाइना इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। प्राइमरली द बाइडन प्लान इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल सऊदी इसराइल डील, बट लेट अस से सच डील इज नॉट इम्पोरेबल
improbable. Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said in an interview recently that both sides are getting closer to each other every day. Even if deal is materialized in near future, there are other challenges. The US deprioritization of the region has loosened its grip in allies and left a security vacuum, which have collectively promoted regional power to automize their foreign policies and take step towards more predictable engagement with both friends and foes. तो मतलब जो है कि उसका यहाँ पे थोड़ा बहुत पकड़ छूट रहा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है. और वो वहाँ के जो अलाइज है उसके, वो चाहे जैसे मेरा दोस्त तेरा दोस्त वो वाला हिसाब है, पर अब मेरा इस दोस्त से ज़्यादा जब बातचीत बंद होगा तो हो सकता है ये मेरे दुश्मन के साथ भी दोस्ती बन जाए. तो वही है, फ्रेंड्स एंड फोर्स के साथ वहाँ के यूएस के अलाइज की मोर प्रेडिक्टेबल एंगेजमेंट हो रही है. दिस वॉज एविडेंट इन दी सऊदी यूएई डिफेंस डिटेंट विथ ईरान. द डिसीजन टू एंड द सऊदी लेड ब्लॉकेज फॉर कतार एंड अरब रिकन्सिलिएशन विथ सीरिया बशर अल असद. Saudi Arabia and the UAE are also trying to formulate policies independent of US goal and strengthening ties with rising power. Their decision to join BRICS, grouping Brazil, Russia, India, China, South Africa is a case in point. So they might welcome America's diplomatic push or economic integration plan, but they may not remain client state or they were the Cold War in the unipolar world anymore. यहाँ पर यही बात हो रही है, यूएस का ग्रिप छूट रहा है तो अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, कोल्ड वॉर जैसा उस समय जैसा सिचुएशन नहीं है. और मिडिल ईस्ट आपके ब्रिक्स में भी इन्वेस्ट हो रहा है, आप देखिए. सेकंड, द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पाइट द लिमिटेड इंगेजमेंट कंटिन्यूज टू सी ईरान एज अ हॉस्टाइल पावर. ऑल्सो द राइवलरी बिटवीन ईरान एंड द इसराइल वुड रिमेन एट द सेंट्रल जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वेस्ट एशिया. बाय रीचिंग अ डिटेनेंस विद ईरान, गल्फ अरब हैव मेड इट क्लियर दैट दे वुड नॉट लाइक to get stuck in Iran-Israel rivalry, which has the potential to spill over in a conflict. Spill over, आप देखिए कि मतलब दो लोग लड़ रहे हैं, उसके आसपास वाले कंट्री अफेक्ट हो रहे हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट यही हो गया आपका. जैसे आप देखिए रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, ग्रेन के लिए बाकी लोग को वो हो रहे हैं, ब्रेड बास्केट बोला जाता था ना, इसलिए सच एन आउटकम वुड डिस्टेबलाइज द रीजन अगेन. ठीक है, डिस्टेबलाइज नहीं करना हमें. डीरेलिंग अमेरिकाज प्लान टू स्टे एज अ बेनेवोलेंट ग्रेट पावर. ठीक है, मल्टीपल एवेन्यूज फॉर इंडिया. आप देखिए एवेन्यूज फॉर इंडिया क्या है. फॉर इंडिया, द यू एस चाइना कॉम्पिटिशन इन वेस्ट ओपन्स अ न्यू एवेन्यूज ऑफ एंगेजमेंट. द यू एस सीज इंडिया विद द साइज ऑफ इट्स इकॉनमी एंड द लेगेसी ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंगेजमेंट एंड कल्चरल कनेक्ट विद इट्स रीजन विद द रीजन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर इन इट्स बिड टू कंटिन्यू टू शेप वेस्ट एशिया जियो पॉलिटिक्स. तो उसके लिए इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल डेवलपमेंट्स के हिसाब से. इंडिया शुड वेलकम द मोमेंट बट शुड नॉट लुक एट इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ अनदर कोल्ड वॉर. तो इसको कोल्ड वॉर की तरह इंडिया को नहीं देखना चाहिए. और इट शुड नॉट पुट ऑल इट्स एग इन वन बास्केट एज इट डिड इन अफगानिस्तान. तो मतलब जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ, सारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, तो यहाँ पे ऐसा मत करो कि सब जगह सारा पैसा एक ही जगह लगाओ. डाइवर्सिफाई करो, अपने अलग अलग कंट्रीज में करो, मिडिल ईस्ट में और ये जो आपका अरब वर्ल्ड है. ऐसा नहीं कि सऊदी अरेबिया में ही सारा इन्वेस्टमेंट, आप यूएई में करो, कतार में करो, ऐसे आप अलग अलग करो, बांट बांट के करो. ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ नियर फंक्शनल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दैट कंसर्न इंडिया दैट कनेक्ट इंडिया टू रशिया थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया. द मिडल ईस्ट कॉरिडोर वुड ओपन अनदर इकोनॉमिक चैनल. इंडिया ओवरऑल पॉलिसी टूवर्ड्स द रीजन शुड स्टे एंकर्ड इन द आइडिया ऑफ मल्टी इंगेजमेंट, नॉट इन अपीजिंग और कंटेनिंग एनी ग्रेट पावर विथ और विदाउट द यूएस और रिस्पेक्ट और इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइनाज प्रेजेंस इन द रीजन. इंडिया शुड स्ट्राइव टू प्ले अ मेजर जियो पोलिटिकल रोल इन वेस्ट एशिया इट्स एक्सटेंडेड नेबरिंग विदाउट अपसेटिंग इट्स ट्रेडिशनल बैलेंसेस. अब देखिए इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है. बहुत बड़ा आर्टिकल था, मतलब काफ़ी बड़ा था. देखते हैं क्या. सबसे पहले हमारे लिए एशिया इम्पोर्टेंट हो जाता है. आप देखिए एशिया का मैप हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ वेस्ट एशिया, ये जो भी कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं आप लोग देखिए, इतने सारे कंट्रीज हमने इसमें पढ़े हैं. ब्रिक्स यहाँ पर लिखा है, ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है. तो ये चीज़ तो हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट हो जा रही है मैपिंग एशिया की, क्योंकि हमें पता चले बात कहाँ की चल रही है. ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे
वेस्ट यूएस का वेस्ट एशिया स्ट्रेटजी क्या है? पहला तो यही काउंटर करो, ठीक है। दूसरा ये था कि वो इसको खाली करके आपका ईस्ट एशिया में आए और ईस्ट यूरोप में जाए, पर वहाँ पे चाइना या वेस्ट एशिया में आ जा रहा है आपका। ये सारा मैंने आप लोगों को आर्टिकल में समझा दिया है। तो उससे इंडिया को उसको डेवलप करना है कि इंडिया वहाँ पे फिर पावर वैक्यूम जो हो उसको इंडिया फिल करे। सबसे बड़ा मुझको इस आर्टिकल का, ये तो एक पूरा पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोई भी अथॉरिटी में आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंक्लूजन आप भी ऐसा दे सकते हो, कभी पूछ देते हैं ना, व्हाट इज योर टेक, व्हाट शुड इंडिया डू, और व्हाट आर योर थॉट्स, मतलब आप देखिए एक्सप्लेन डिस्कस। तो ये कंक्लूजन कितना अच्छा है कि किधर गया, जस्ट अ सेकेंड। इंडियाज ओवरऑल पॉलिसी टुवर्ड्स द रीजन शुड स्टे एंकर्ड इन आइडिया ऑफ मल्टी इंगेजमेंट। किसी एक के पीछे नहीं भागना, मल्टी इंगेजमेंट करो, ठीक है। इधर भी, 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 नॉट इन अपीजिंग और कंटेनिंग एनी ग्रेट पावर। किसी ग्रेट पावर को, जिसको बात हो रही है यूएस की, उसको, यूएसए की, उसको खुश करने के लिए नहीं, और ग्रेट पावर जैसे चाइना को, और उसको काउंटर करने के लिए नहीं। तो ऐसा किसी को अपीज और काउंटर करने के लिए नहीं, विथ और विदाउट द यूएस और इररिस्पेक्टिव ऑफ चाइनाज प्रेजेंट इन द रीजन। तो यूएस और चाइना के दोनों को प्रेजेंस को हटाओ, अपना फायदा देखो। इंडिया शुड स्ट्राइव टू प्ले अ मेजर जियो पोलिटिकल रोल इन वेस्ट एशिया, इट एक्सटेंडेड नेबरहुड विदाउट अपसेटिंग द ट्रेडिशनल बैलेंस। तो जो इनका ट्रेडिशनल बैलेंस है उसको अपसेट मत करो, और बाकी भैया किसी से बिना डरे हर जगह मल्टी इंगेज करो, और ना यूएस को खुश करने की करो, यूएसए को खुश करने की कोशिश करो, और ना चाइना को अपसेट करने की कोशिश करो। मतलब अपसेट क्या, मतलब काउंटर करने की कोशिश करो। तुम बस अपना फ़ायदा देखो, नेशन का फ़ायदा देखो, और कैसे मल्टी इंगेजमेंट होगा, आप कैसे रशिया से इंडिया, चाइना, इंडिया कनेक्ट हो रहा है और इंडिया से यूरोप कनेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो, अपने ट्रेड्स बढ़ाओ, बस यही बात हो रही है। अब देखिए जैसे कहाँ था, हाँ ये मिडल ईस्ट कॉरिडोर आपका हो गया, ये उससे कनेक्ट करने के लिए यूरोप से, और एक था आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, वो आपका हो गया रशिया से कनेक्ट करने के लिए। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज़ मैपिंग देखिए, मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।